हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी इन इंग्लिश मेरीगोल्ड क्लास सेकंड यूनिट नंबर 2। उसमें हम आज करेंगे ये है पोयम आई एम लकी। ये जो पोयम है आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ, ये एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी इमेजिनेशन बता रही है। वो कह रही है कि ये इस पोयम में जो भी सबकी ये जो बटरफ्लाई है, फिर फिश है, सबकी यहाँ बात की गई है उसके बारे में कह रही है। वो कह रही है कि इन सबके पास कितनी सारी क्वालिटीज़ है जो गॉड ने उन्हें दी है, तो वो कितने लकी है। अगर वो मेरे पास होती सब तो मैं भी कितनी लकी होती। तो ये बच्ची है वो इमेजिनेशन कर रही है। अब उसको अब ये पोएम को मैं आपको रिसाइट करके दिखाती हूँ, फिर आपको भी इस तरह से मेरे साथ गाना है। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। पहले क्या कहती है कि ये जो बटरफ्लाई है, यहाँ पे देखो ये बटरफ्लाई है ड्रॉ किया हुआ, वो कितना लकी है, क्यों लकी है। वो कहता है कि मेरे पास इतने अच्छे कलरफुल स्विंग्स है और मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ। आई वुड बी थैंकफुल, मैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कितने रंग बिरंगी कलरफुल विंग्स दिए हैं, इसलिए मैं बहुत लकी हूँ और गॉड को थैंकफुल कहता हूँ, उसको उसका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर है इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। इफ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। फिर वो कहती है कि ये जो मैना है वो कहती है, एक मैना एक चिड़िया है जो आपने उसको बच्चों आपने पेड़ों पर बैठे हुए कभी देखा होगा, मैना बहुत अच्छा गाती है, तो वो पेड़ों पर बैठी रहती है, मैना गाती रहती है, वो भी गॉड को थैंक यू कहती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा गा सकती है, इसीलिए वो भी गॉड को थैंक यू बोल रही है कि मुझे गॉड ने ऐसी आवाज़ दी है तो मैं सा अच्छा गा सकती हूँ। मैना की तरह एक और भी एक बर्ड्स है, वो भी एक अच्छा गाता है, तो वो कौन है, वो है कोयल कुकू, वो भी बहुत अच्छा गाती है, वो भी एक चिड़िया है। नेक्स्ट है इफ आई वेर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। इफ आई वेर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। फिर ये जो फिश है ना, मछली समुंदर में रहती है, वो भी कहती है, वो भी गॉड को थैंक यू कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो रिगल एंड गिगल विथ ग्ली, वो क्या कर सकती है, वो जब वो समुंदर में तैरती है, आपने देखा होगा ना बच्चों की समुंदर में जैसे मछली कैसे लेफ्ट राइट फटाफट करती है और मस्ती में झूमती है, गिगल ऐसे बुलबुले बनाती है, गिगल करती है ना, और बहुत ही खुशी से वो पानी में ऐसे स्विमिंग कर सकती है जल्दी जल्दी से। तो इसलिए वो गॉड को थैंक यू कहती है कि मुझे भी गॉड ने ऐसा बनाया कि मैं इस तरह से रिगल और गिगल कर सकती हूँ और बहुत खुश रह सकती हूँ पानी में स्विम करके, तो वो भी गॉड को थैंक यू कहती है फिश। नेक्स्ट है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। फिर लास्ट में जब ये सब अपने बारे में कहते हैं, बटरफ्लाई, मैना, फिर ये फिश, तब ये बच्ची क्या कहती है, वो कहती है कि मैं भी लकी हूँ क्योंकि मैं मुझे इन लोगों के तरह कुछ भी इन लोगों के जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं लकी हूँ। क्योंकि बच्चे तो लकी होते हैं ना,
क्योंकि वो ड्राइंग कर सकते हैं, वो डांस कर सकते हैं, वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, वो मज़े कर सकते हैं, इसलिए बच्चे भी लकी होते हैं। तो वो ये कह रही है कि मैं भी लकी हूँ, मैं क्योंकि मैं अपने आप जैसी हूँ, अपने खुद अपने आप जैसी हूँ, मैं इन लोगों के जैसी, भले ही मेरे पास इन सब की तरह स्पेशली मेरे पास ऐसा कुछ ना हो, मैं ना किस तरह गा नहीं सकती हूँ बटरफ्लाई की तरह, मेरे पास विंग्स नहीं है, मैं मछली की जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप जैसी हूँ और ऐसे ही रहना चाहती हूँ तो भी मैं लकी हूँ, मैं भी गॉड को थैंक यू कहती हूँ। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ तक पोयम है वो मैंने आपको रिसाइट करके सुनाया, आपको आपको भी मेरे जैसे गाना है, और आपको होमवर्क में इसके जो न्यू वर्ड्स है वो आपको 2 times अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखने हैं सारे। मैं आपको उसकी फ़ोटो है व्हाट्सअप में भेजूंगी, वो आपको सारे जो न्यू वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और इतनी जो पोयम है वो आपको रीड करनी है अच्छे से।